अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मोहम्मद आसिम, एसआरवी ट्रस्ट की जानिब से आज नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को मनाया जाता है इंडिया में, तो उसी मौके पर मेरा इरादा था कि एसआरवी ट्रस्ट की जानिब से एक अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करें, ताकि जो भी वुमेन एम्पावरमेंट, गर्ल एम्पावरमेंट, चाइल्ड एम्पावरमेंट के लिए जो भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, उसको लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करके बताया जाए। लेकिन कोविड नॉर्म्स की वजह से हम लोग ये नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी मैं ये देखना चाह रहा था कि जो गवर्नमेंट सेक्टर, जो डिपार्टमेंट है कंसर्न, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे बहुत सारे स्कीम्स हैं कि गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक वो बात को पहुंचाए, अवेयरनेस क्रिएट करे। लेकिन आज ऐसा कुछ नजर आया नहीं, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, जैसा कि अपना वुमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, वो लोग जो भी उनके आंगनवाड़ी एरिया वाइज रहते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दें कि ताकि वो डोर टू डोर जाएं और जो भी उनके स्कीम्स हैं उसको लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें। ये एक बात थी। और दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम जो भी वुमेन जो बैकवर्ड हैं, जो एजुकेशन सेक्टर हो या फाइनेंशियली या जो भी बैकवर्ड है, वो जाएं और ये ऑफिस में अपने आप को वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए उनसे मिले, ताकि आपको जो है पूरा जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करेंगे आपको। इनका ऑफिस जो है, हमारा वुमेन डेवलपमेंट चैनल का ऑफिस जो है स्टेडियम के सामने है, वहाँ पे जाके आप मिलिए और आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिलेंगे। तो आज यही कहना था कि आज का दिन जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बहुत ही मनाया जाता है, क्योंकि ये 2008 में हमारे इंडिया की तरफ से ये लॉन्च हुआ था, उसके बाद से जो है इसको मनाया जाता है एवरी ईयर, और एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं अक्रॉस इंडिया। मगर अफसोस है कि आज ऐसा कुछ नज़र आया नहीं, तो बस यही गुजारिश थी कि मेरी तमाम जो भी वुमेन हैं या गर्ल्स हैं, वो जो है जाएं ये यहाँ पे और अपने बात को रखें, और उनके सामने जो है गवर्नमेंट जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है ऑफिशियल्स, उनके सामने रखें। और इसी के साथ मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अब मेरे साथ हैं हमारे प्रभाकर हदनूर साहब, जो कि मादिगा ढंडोरा के लीडर हैं और बहुत ही यूथ एक्टिव लीडर हैं। ये भी आज मेरे साथ जुड़े हैं, और ये भी चाहते थे कि बहुत सारे एक्टिविटीज़ करें आज, लेकिन अफसोस हम नहीं कर पाए क्योंकि कोविड नॉर्म्स रहने की वजह से। तो ये भी मैं चाहता हूँ कि ये भी कुछ कहें इसके आज के इस डे के बारे में। ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಂ ಹದನೂರ್ ಅಂತ, ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಲೀಡರ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಎಸ್ಆರ್ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಆಸೀಮ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಜೊತೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ, ಇವತ್ತು ಏನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನು 2008 ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿರುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಆರ್ವಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಮಾದಿಗ ದಂಡೋರ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಡೆಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ತಡೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.